वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स. इसका हमारा चैप्टर नंबर थ्री है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. बुक पेज नंबर 34 और 35 आज हम करेंगे. इसमें हमने करना है स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स फैसिलिटेटिंग फोटोसिंथेसिस, कि किस तरह से लीव्स का स्ट्रक्चर जो है वो फोटोसिंथेसिस को फैसिलिटेट करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, अपनी बुक का पेज नंबर 34 ओपन करें साथ में, ठीक है, कि प्लांट्स जो होते हैं इनमें लीव्स जो है उनको क्या कहा जाता है. लीव्स आर द फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. तो फूड जो प्रोड्यूस होती है प्लांट के अंदर वो प्लांट के लीव्स में होती है, ठीक है. लीव्स जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, उन्होंने वो एनर्जी सनलाइट से लेनी होती है. सनलाइट को लेते हैं वो और सनलाइट को लेके वो एज एनर्जी यूज करते हैं. उसको यूज करने के बाद वो क्या करेंगे, हायर प्लांट्स जो होते हैं, यानी जो प्लांट्स हायर होते हैं, हायर प्लांट्स में क्या होता है, जो मेन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उनका जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है वो मेनली तौर पर होती किसमें है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, जिसके अंदर थायरॉइड्स होते हैं, ठीक है, थायरॉइड्स और इसके अलावा उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होती है, फिर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है. वो प्रेजेंट होते हैं उनमें और उनकी कहाँ पर, जो लीव है उसकी मिडल लेयर के ऊपर, ठीक है, जिनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं, ठीक है. लीव जो होता है, लीव की मिडल जो सेल होता है, मिडल जो एरिया होता है वहां पर वो प्रेजेंट होते हैं, थायरॉइड्स वगैरह, ठीक है, और उनको क्या कहा जाता है, फिर मेसोफिल सेल्स, ठीक है. इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितनी मेम्ब्रेन्स है, टू मेम्ब्रेन्स, वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द सेकंड वन इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है. तो जो डबल मेम्ब्रेन है इसके अंदर उसकी जो शेप है वो डिस्क शेप होती है, ठीक है. डिस्क के उसका स्ट्रक्चर होता है जो कि थायरॉइड्स कहलाते हैं और इसके अलावा थायरॉइड्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन है, उसको क्या कहते हैं, वो मेम्ब्रेन कौन सी है, क्लोरोफिल, ठीक है. यानी कि ये क्लोरोफिल के अंदर जो है लीव का जो स्ट्रक्चर है, लीव के अंदर ये प्रेजेंट होंगे. अब इसी तरह से है कि लीव का जो ग्रीन कलर होता है वो क्यों होता है, क्योंकि लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से, उसके होने की वजह से, यानी क्लोरोफिल के होने की वजह से, अगर लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर उनका कलर ग्रीन नहीं होगा. कि लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं और उस क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का जो कलर है वो ग्रीनिश होता है और इसी वजह से उनके अंदर क्या होती है, फिर फोटोसिंथेसिस है वो भी प्रेजेंट होती है, ठीक है. और इस पर्टिकुलर केमिकल की वजह से लीव्स जो है वो सनलाइट एनर्जी को लीक करते हैं, यानी कि उनको सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है ताकि वो एनर्जी लें सनलाइट की, जो ग्रीन लीव्स हैं वो सनलाइट की एनर्जी लेंगे, उस एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेंगे और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. आगे है कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है, इनकी कार्बन डाइऑक्साइड का और जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो लीव्स के अंदर किसकी वजह से होता है, स्टोमेटा की वजह से, ठीक है. लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लीव्स के अंदर जाएगी और फिर जब उनके अंदर फूड प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो वहां से फिर रिलीज भी इन्हीं की वजह से होगी, ठीक है. अब आगे है कि ये वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करने में बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करता है स्टोमेटा जो है. इस तरह से क्या है, स्टोमेटा जो है लीव की अंडर साइड में, यानी कि लीव का जो नीचे वाला हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल ये लीव है, ठीक है, लीव की जो अंडर साइड है, नीचे वाला जो हिस्सा होगा वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं. यानी कि जो वाटर है वो इतना लॉस ना हो लीव्स में से, और अगर ऐसा हो तो फिर वो क्या करते हैं, जो ये वाटर लॉस होता है लीव्स के अंदर में से ये वाला, उसको ट्रांसपायरेशन भी कहा जाता है, ठीक है. ये जो वाटर यहाँ से लॉस होगा प्लांट से, उसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसपायरेशन भी. और वाटर लॉस को जो है वो एडिशनल सही बनाने के लिए फिर लीव्स क्या करते हैं, सॉरी प्लांट क्या करता है, वो एडिशनल वाटर जो है सोयल से भी लेता है, ठीक है, लोहे का, और सोयल से वो वाटर लेके फिर अपवर्ड प्लांट के बाकी सारे हिस्सों में भी पहुंचाया जाएगा, ठीक है. और स्टोमेटा जो है वो क्या करता है, फिर जो गॉड सेल्स होते हैं उनको रेगुलेट भी करते हैं कि उनकी ओपनिंग किस तरह से, उन्होंने ओपन होना है, कब होना है, कब नहीं होना है, इस सारे फंक्शन को भी वो देखता है स्टोमेटा.
अब जो लार्ज इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस होती हैं वो स्पॉन्जी मैक्रोफिल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये था सारा स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स के। लीव्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस को फैसिलिटेट करता है। यहाँ पर जो ये थाइम पेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, उनके अंदर ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा जो है वो लीव्स की आउटर साइड पर, यानी कि जो नीचे वाली हिस्सा है वहाँ प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से ट्रांसपायरेशन जो होती है वो वाटर लॉस जो प्लांट के अंदर होता है उसको ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी टू मेम्ब्रेन्स होती है। लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, क्लोरोफिल। और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो